किसी भी स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, बेकरी, छोटे छोटे जो खाकरा थे, प्लास ऐसे सब पैकेजिंग होते, चॉकलेट्स, ये सब छोटे छोटे उद्योग है, इनके पास ऑल्टरनेट नहीं है। जो प्रोसेस है पैकेजिंग का, इट्स वेरी सिंपल। आदमी 100 रुपया किलो से लेके भी बिजनेस स्टार्ट करता है कि घर पे कोई प्रोडक्ट बना सकता है, उसको पीपी बैग्स में पैक कर सकता है, कैरी बैग में लेके जा सकता है। जो सब्स्टिट्यूट वो लोग कह रहे हैं वर्बली कि ये पेपर बैग इसका सब्स्टिट्यूट है, पेपर बैग में ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, बारिश की सीजन में उसमें कुछ है नहीं, ना स्टोरेज कैपेसिटी है, ना वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है। क्या आपने कभी देखा है कि किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के रैपर्स को कोई सेपरेट करके रिसाइकल करेगा? सेकंड ऑल्टरनेट दे रहे हैं वो लोग के कांच की बोतल कैरी करो। कांच की बोतल के लिए ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें फ्यूल कंजप्शन होता है, उससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है, जो पानी कंज्यूम होता है। एक बाजू कहते हैं बेटी बचाओ पानी बचाओ, पानी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो क्या एक बोतल धोने के लिए, एक लीटर की बोतल धोने के लिए कम से कम 4 से 5 लीटर मिनिमम लगने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन लगने वाला है? ये अननेसेसरी, दे आर क्रिएटिंग द इश्यूज। अभी अभी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 50 पैसा वो लोग रिफंड करेंगे किसी मिल्क की बैग पे, वो उन्होंने हटा लिया, दे आर गोइंग बैक कि वो 50 पैसा, क्योंकि दूध वालों की एसोसिएशन ने कह दिया, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि हम लोग 50-50 पैसा लेके देके ये सब काम नहीं कर सकते। मुझे बताइए, अगर जो आप छोटे से 5 रुपए के, तो 100 ग्राम के स्पाइसेस या चॉकलेट के रैपर्स लेंगे, तो आपको लगता है कि कोई स्टोर वाला उसका 50 पैसा देगा? हाँ, कैरी बैग्स इज द बेस्ट सॉल्यूशन। कैरी बैग्स, जो पतले बैग्स आते हैं, वो गवर्नमेंट को 100% बैन करने चाहिए और उनको इंडस्ट्री से सपोर्ट लेना चाहिए इस चीज को लेते हुए कि पतली कैरी बैग्स कैसे बैन होती है, आप हमारे साथ जुड़िए। कैरी बैग्स पे तो जनरली चार्ज करते ही है 5 रुपीज 3 रुपीज एज पर मॉल जो कलेक्ट करते हैं। तो वॉट एवर द थिंग्स आर प्रैक्टिकल, दैट शुड बी डन। सबसे पहले तो 75,000 लोग जो काम करते हैं इस इंडस्ट्री में, 2500 से 2600 प्लास्टिक की फैक्ट्री है जो छोटी है, उस पर इफेक्ट होगा। इनडायरेक्टली 8 लाख लोग इससे इफेक्ट होंगे कि ये जो प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट है वो बनाया हुआ यूज करते हैं, उसके ऊपर ऐसे रैपर, ऐसे स्टोरिंग, यस पैकेजिंग कैसे होगा? छोटे से छोटा प्रोडक्ट 50 रुपये का, 5 रुपया 10 रुपये का 50 ग्राम प्लास्टिक मिलता है, दे आर बैनिंग ऑन दैट इकोनॉमिक, तो इफेक्ट होने वाली है कि पूरा जो ट्रेड है वो आउट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज के हाथों में आ जाएगा। फर्स्ट थिंग, पहले तो इसका सॉल्यूशन सोचना चाहिए। दे हैव टू गिव सफिशियंट टाइम कि भाई 5 साल के बाद या तो 7 साल के बाद हम लोग आपका प्लास्टिक बैन करने वाले, आप इस बिजनेस से एग्जिट लीजिए, कोई ऐसा बिजनेस ढूंढिए जिसमें आपको दूसरे पॉल्यूशन को या तो एनवायरमेंट को हार्मफुल ना हो। बट बैन और इमीडिएटली बैन करना या तो स्टॉप करना फैक्ट्री को, लोगों को बेरोजगार करना, इज नॉट द राइट सॉल्यूशन।